I command that you could not have been in Kashmir at a better time. Because this morning, and all the balconies of Kashmir greet you. Namaste, Namaste, Guzarish Karta Hum. Secretary, who has engaged him to resolute karke, apne haathon se. Is also baki din aaj hamare yahan pe maujood hai, auditorium mein. ऊपर से मेरी की गुजारिश है कि इस तकलीफ को यादगार बनाने के लिए आप सब कोई कंफ्यूजन ना करें। हम जो बरसों से सुनते रहे हैं और कहते रहे हैं कि उम्मीदों का कारवा है, प्रकाश का कारवा है, ये हमारी कोशिशों से और बाकी जो मेहमान वहाँ मौजूद हैं, हमारे खास मेहमान, वो अपने अपने हाथों से इस मन के चल जाने, इस मन सोच में डाल के हम जिस सफर पे आज हैं, नेशनल हेल्थ मिशन के सफर में, उसमें हमारी रहनुमाई करें, यही हमारी दुआ है और यही हमारी उम्मीद है। और ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि हमारे मेहमान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों, डॉक्टर सैयद आदिल रशीद शाह साहब से जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी हैं हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की, कि वो एक मोमेंटो पेश करें, एक शॉल और मोमेंटो। शिकारी का यह मॉडल कश्मीर आने वाला हर मेहमान शिकारी का सफर। मेरी गुजारिश है डॉक्टर मुश्ताक अहमद राते साहब से डायरेक्ट शॉल और ये मोमेंटो पेश करें। मेरी गुजारिश है डॉक्टर मुश्ताक अहमद राते साहब से विजन और ये जो कॉन्फ्रेंस है इसका उद्देश्य यही है कि जब नॉर्थ ईस्ट में गए वहाँ हमने कर्नाटक ने अपनी अपनी अचीवमेंट अपने पर्सपेक्टिव से बताई, जैसे आसाम ने बताया कि उनके यहाँ स्वास्थ्य सेवा उत्सव होता है, एक हफ्ता डेडिकेट होता है उसमें आसाम में, कि जिसमें पहले एक्सटर्नल असेसमेंट, फिर इंटरनल असेसमेंट और फिर उसके बाद मंत्री सचिव हर स्तर के जो अधिकारी हैं वो जाके हेल्थ फैसिलिटीज में एक जो रहते हैं और वहाँ का में क्या चल रहा है उसकी रिपोर्ट का वर्ष करा सकता है। अपने में उससे फर्क पड़ता है कि वरिष्ठ अधिकारी वो लोएस्ट लेवल पे जाए देखें, उसका फर्क पड़ता है। दैट इज समथिंग रिमेनिंग। ऐसे ही मेघालय ने बताया कि जैसे आशा वर्कर्स के पेमेंट के लिए उनका जो ऐप है डिफेंड इज वन ऑफ बेस्ट विच विल बी प्रोजेक्टिंग सोलर फॉर की जो है आशा वर्कर्स का पेमेंट कैसे इमीडिएट विदिन वन वीक होता है, क्योंकि उसमें इतने सारे पैरामीटर्स हैं, 100-125 से अधिक योजना है जिसमें आशा वर्कर्स को पेमेंट करते हैं, समय लगता है। कहीं पर कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहाँ ये बिल स्टेट लेवल तक जाता है, अगर स्टेट लेवल तक मिल जाएगा तो उनको पता नहीं कब आशा वर्कर को कैसे पैसा मिलेगा, चेंज कर तो इससे हमें यह अनुमान मिलता है कि क्या चीज होती है, क्या पैसा कैसे। रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ, अब ये स्पेशलिस्ट स्पेशली जो पुराने प्रधानमंत्री जी के दौर में जब की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी ये चल रहा है कि स्पेशलिस्ट उत्तर प्रदेश ने वहाँ पर प्रेजेंटेशन किया है। Speak for the citizens of Jammu and Kashmir and each single employee of the health and family welfare and environmental education department that your presence here has not only encouraged us but it has given us new impetus to work double the hard work that we are doing. Aapka yahan aana hum sab ke liye bahut fakhr ki baat hai, and that you chose Jammu and Kashmir for this regional conference, the second conference of your organization. ये जो सेकंड कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि हेल्थ में नेशनल हेल्थ मिशन ये सबसे बड़ा मिशन है, जिससे कि हम जो है देश के सभी जो हमारे सिटीजन्स हैं उन तक कैसे हम प्राइमरी हेल्थ उनको फैसिलिटीज उपलब्ध कराते हैं, ये इसका उद्देश्य है। तो पहली हमने कॉन्फ्रेंस करी थी नॉर्थ ईस्ट में शिलोंग में, और ये दूसरी कॉन्फ्रेंस है जिसमें नॉर्थर्न स्टेट्स हैं और बाकी और कुछ राज्य हैं। कश्मीर में करने का उद्देश्य ये है क्योंकि कश्मीर हमारा सबसे दूर दराज का राज्य समझा जाता है, रिमोट राज्य समझा जाता है, पर कश्मीर की जो उपलब्धता है अगर नेशनल हेल्थ मिशन में हेल्थ में कश्मीर जैसे
दूर दराज के इलाके में भी अगर हेल्थ की सुविधाएं हम अपलोड करा पाते हैं तो ये बाकी राज्य देखें और यहाँ के अनुभव से भी समझें कि किस तरह से कश्मीर में जो परिवर्तन हुआ है पिछले 5 वर्षों में। श्री आबिद जो यहाँ के हेल्थ सेक्रेटरी हैं मेरे साथ हैं, अब यहाँ कल जो हमारी टीम गई उन्होंने कुछ देखा कि यहाँ पर कुछ प्राइमरी हेल्थ सेंटर ऐसे भी हैं जो कि 24/7 मतलब कि 24 घंटे चलते हैं, 3 शिफ्ट में वहाँ पर डॉक्टर उपलब्ध हैं। अब ये मैंने यहाँ जो राज्य हैं उनको भी बताया कि ऐसा मेरे ख्याल से कोई राज्य ऐसा नहीं होगा देश में जहाँ पर 24 घंटे प्राइमरी हेल्थ सेंटर चल रहे हों, तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज है कश्मीर में, सारे के सारे जो जनता है सबको हेल्थ फैसिलिटीज़ मुफ्त में उपलब्ध हैं हॉस्पिटलाइजेशन की, ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मेडिकल कॉलेजेस यहाँ पर 7 नए खुले हैं, MBBS की सीट्स यहाँ पर बढ़ी हैं, तो मेरे ख्याल से पिछले 5 वर्षों में बहुत बड़ी उपलब्धियाँ यहाँ पर। सर, अभी भी पॉपुलेशन डॉक्टर रेशियो में काफ़ी गैप है, सो व्हाट विल बी द पॉलिसी इनिशिएटिव्स टू फिल दैट गैप एक्चुअली रूरल एरियाज़? यहाँ पर मेरे ख्याल से श्री आबिद बता पाएंगे, पर जैसे 7 नए मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं और अब MBBS की सीट्स जो है 1200 से अधिक हो गई हैं, स्पेशलिस्ट भी जो है 300 से अधिक यहाँ पर बढ़ गए हैं और ये बैचेस क्योंकि अब ये पिछले 3-4 वर्षों में ये कॉलेजेस खुले हैं तो इनके बैचेस अब आने जैसे शुरू होंगे तो डॉक्टर्स की संख्या बढ़ती जाएगी। अब पहला बैच मेरे को बताया गया था इसी वर्ष शायद आएगा तो ये संख्या बढ़ती जाएगी। सर, ये जो NHM एम्प्लॉइज है सर, ताकि यहाँ पे जो नेशनल हेल्थ मिशन उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए, जैन के लिए क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं सर? देखिए, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर एक तो हम जो पूरे राज्यों को पूरे क्योंकि पूरे देश उसमें देखते हैं, कश्मीर के लिए तो खैर यहाँ पर क्योंकि हम 90% केंद्र सरकार की तरफ से पैसा मिलता है और बाकी राज्य जो होते हैं वहाँ 60% मिलता है, नॉर्थ ईस्ट कश्मीर इधर जो है 90% मिलता है, तो काफ़ी बड़ी संख्या में। और फिर पिछले वर्ष भी जैसे यहाँ कैंसर हॉस्पिटल था, जो यहाँ मेडिकल कॉलेज, उनमें भी सब में केंद्र सरकार का योगदान है और पैसा उपलब्ध कराया जाता है। और अब पिछले वर्ष जैसे यहाँ खर्चा पूरा हुआ था पर बाद में केंद्र सरकार में थोड़ा बजट की कमी आई थी तो हम पूरा पैसा शायद नहीं उपलब्ध करा पाए थे, पर मैं इस बार आश्वासन देता हूँ कि बजट की हम कोई कमी नहीं होने देंगे, जितना यहाँ कैसा खर्चा होगा पूरा का पूरा बजट उपलब्ध कराया। सर, जम्मू कश्मीर में जो NHM एम्प्लॉयज़ है, जो मैन पावर है, उनके लिए क्या कुछ बेनिफिट्स रखेगा और क्या कुछ बेहतरी उनके लिए आएगी? एम्प्लॉयज़ तो स्टेट गवर्नमेंट के रहते हैं तो ये विषय स्टेट गवर्नमेंट का है, केंद्र सरकार का नहीं है। सर, प्राइवेट हेल्थ केयर यहाँ पे बहुत कम है जैसा आपने भी बताया है, तो क्या गवर्नमेंट इंडिया की पॉलिसी इंसेंटिव रहेगी कि ताकि यहाँ पे जो है प्राइवेट जो हेल्थ केयर है वो ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हो जाए? अभी तो केंद्र सरकार की तरफ से आपने देखा होगा कि जो है एम्स 2 हम यहाँ खोल रहे हैं, जो जम्मू का एम्स है उसका उद्घाटन अभी मार्च महीने में हुआ था और जो अवंतीपुरा है उसमें मैं आज दोपहर में जाऊँगा, कंस्ट्रक्शन उसका काम शुरू है, हो सकता है उसमें 1-1.5 वर्ष का समय लगेगा क्योंकि कंस्ट्रक्शन के फेज़ में है, पर ये 2 एम्स जो हैं इनसे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा क्योंकि ये एपेक्स लेवल के टर्शरी इंस्टीट्यूशन है और कश्मीर मेरे ख्याल से यूपी के साथ दूसरा ही ऐसा राज्य होगा जहाँ पर 2 एम्स एक ही राज्य में खोले जा रहे हैं। और प्राइवेट तो ऐसा है कि क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे हमारा ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, अब उसमें जिस तरह से लोग आते हैं यहाँ पर खर्चा होता है तो जैसे लोगों को बेनिफिट दिखेगा उसके अंदर और लोग आते रहेंगे। कुछ डिग्निटी से हमने यहाँ पे बात की, उनका कहना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्फ्रेंस कश्मीर में होनी चाहिए क्योंकि जो मेडिकल एजुकेशन है या मेडिकल फैसिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो। ये NHM की कॉन्फ्रेंस है, आगे और भी कॉन्फ्रेंस करते रहेंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। इससे कितना बेनिफिट यहाँ के हेल्थ केयर को मिलेगा? देखिए, आप जानते हैं कि नेशनल हेल्थ मिशन की आज 2nd रीजनल कॉन्फ्रेंस जो कौमी सतह पे होती है वो मुनक्किद की गई है। आज श्रीनगर में ये कॉन्फ्रेंस हुई। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन इज़ वेरी प्राउड टू होस्ट एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू होस्ट डेलीगेट्स फ्रॉम अक्रॉस आर कंट्री। इसमें दूर दराज रियासतों से लोग आए हैं। यहाँ की हेल्थ केयर सिस्टम आप जानते हैं एज़ कम्पेयर टू नेशनल स्टैंडर्ड्स इज़ अ नॉच हायर। द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल हेल्थ केयर वर्कर्स, खा वो डॉक्टर हों, खा नर्सेज हों, खा पैरामेडिक्स हों, खा कोई भी हो, आप जब पैरामीटर्स देखते हैं, इन्फेंट मोर्टैलिटी रेट, मैटरनल मोर्टैलिटी रेट, इम्यूनाइजेशन वगैरह, उन तमाम पे यहाँ जम्मू कश्मीर का मैं फ़ख्र के साथ आपसे शेयर करता हूँ कि हम बहुत ऊपर रैंक करते हैं। ये कॉन्फ्रेंसेस एक बहुत मेजर स्टेप है बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्न करने का, सो वी आर एबल टू लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस। अभी हमने पाया कि उड़ीसा का एक प्रेजेंटेशन हमारे शेयर किया गया, सम रिमोटेस्ट एरियाज लाइक मलकानगिरी हैव प्रोवाइडेड सम इंसेंटिव्स टू द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, तो उस जानब हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसी के साथ साथ जो हमारे यहाँ के बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड्स
जो हम पैरामीटर्स हैं वो राइट अप टॉप नॉच है, तो वो बाकी स्टेट्स और बाकी यूनियन टेरिटरीज देखेंगी, उनसे सीखने का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसकी बेसिस पे अक्रॉस स्टेट्स पूरी कंट्री वाइड बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न करके देख के उनसे इम्बाइब करके हम अपने यहाँ जम्मू कश्मीर को और बेहतर हेल्थ केयर सिस्टम दे सकें।